किडनी हमारे शरीर का प्रमुख अंग होती है। इसकी वजह से ब्लड फिल्टर होता है, साथ ही ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने का काम करता है। अगर आप खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो किडनी को भी स्वस्थ बनाए रखें। किडनी में कई कारणों से कई तरह की परेशानियां होने की संभावना है, जिसमें किडनी का सूखना भी शामिल है। जी हाँ, किडनी सूखने के पीछे कई वजह हो सकती है, जिसमें कुछ विटामिन की कमी है। शरीर में विटामिन का अहम योगदान होता है। अगर इन विटामिन की कमी हो जाए तो शरीर कई तरह की परेशानियों की चपेट में आ सकता है। अगर आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन जरूरी विटामिन की पूर्ति जरूर करें। आइए जानते हैं किस विटामिन की कमी से किडनी सूखने या सिकुड़ने लगती है। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण किडनी पर काफी नकारात्मक असर पड़ता है। शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिसका असर किडनी पर भी पड़ने लगता है। इस स्थिति में हड्डियों में दर्द से लेकर स्किन के रंग में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि अंडे का सेवन, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, पीली और संतरी सब्जियां और फल का सेवन करें, साथ ही मछली भी खाएं। वहीं शरीर में विटामिन ई का भी बड़ा योगदान है। इसकी कमी के कारण भी शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं, जिसके कारण शारीरिक कमजोरी, थायराइड, इमोशनल डिसऑर्डर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनाइल जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी कमी से भी किडनी सिकुड़ने लगती है। ऐसे में सीड्स, बादाम, अखरोट, एवोकाडो आदि का सेवन जरूर करें। वहीं शरीर में विटामिन की कमी होने पर किडनी से जुड़ी परेशानी होती है। मुख्य रूप से अगर आप पहले से ही किडनी से जुड़ी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो ऐसे में पालक, केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां खाना आज से ही शुरू करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।